हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास सेवन्थ इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर वन, द टाइनी टीचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉट सो वेरी स्मॉल, द आंट इज अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जैसा कि हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी और सबसे इंटेलिजेंट जो हार्ड वर्किंग है वह चीटी करती है, जिसमें हम विश्वास नहीं कर सकते। Among the various kind, the commonest aunt is black or red. मतलब हम वैसे तो बहुत बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं, पर ज़्यादातर सामान्य चींटी दो प्रकार की होती हैं, तो काली और लाल। Aunt live in comfortable homes called aunt. मतलब जो aunt का चींटी का जो आरामदायक घर होता है उसे हम aunt कहते हैं। Name the smallest insect you have seen. कोई इंसेक्ट बजाइए जिसको आपने देखा हो, एंड द वाइस और वह बुद्धिमान भी हो। इज द फ्लाई, क्या वह मक्खी है? नो, इट्स एजेंट, नहीं। इट इज द मॉस्किटो, क्या वह मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, नहीं, मच्छर भी नहीं। देन इट मस्ट बी द वर्म, क्या वह कीड़ा है? नो, इट्स नॉट वर्म, वह वर्म नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज द आंट, बहुत चीटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट और द बाइएस्ट इंसेक्ट, सबसे सामान्य, सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है, कौन है? चीटी है। द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, मतलब जो आंट की स्टोरी होती है वो हमें असत्य सी लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एज आंट एज पेट एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। मतलब कई लोगों ने चींटी को पालतू रखा है और उसको उसकी जो डेली के बिहेवियर हैं उसको नोटिस किया है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, तो हम उसी से जानते हैं बहुत सारे फैक्ट्स चींटी के बारे में, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीनास टू टॉक टू अदर्स आंट्स बाई पासिंग मैसेज थ्रू देम। Watch a row of ant moving up or down the ball. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. मतलब जो चींटी होती है वह अपने एंटीना उसके सिर पे, देखो जैसे मैं आपको दिखाऊं पिक्चर में, जैसे यहाँ जैसे ant है ये वाली, तो उसके ये और ये दो feelers है ना, मतलब दो एक एंटीना से निकल रहे हैं, तो ये इसके फीलर्स होते हैं और इनको एंटीना भी हम कहते हैं। ये वाले हैं जो, और जब ये चींटी एक एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जब दो चींटी जो दीवार पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों, तो आप उनको देखना कि उनके जो जो है ना वो चींटी हैं वो अपने फीलर्स को टच करके जाती हैं, जैसे इन ये टच कर रही हैं तो ये अपने आप को ग्रीट करती हैं एक दूसरे को, तो इनसे हमें ग्रीट करना सीखना चाहिए। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, वैसे तो बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन, मतलब सबसे सामान्य दो प्रकार की होती हैं, एक तो काली और एक लाल। वी हैव सीन सिंस वी आवर चिल्ड्रन, हमने इनको देखा होगा जब हम बच्चे होंगे, तो जब हमने इन पे बट हैवन पेड इनफ अटेंशन टू देम, पर हमने इन पे कभी भी ज़्यादा अटेंशन मतलब इनको ध्यान से नहीं ध्यान नहीं दिया है इन पे कभी भी। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि वह आंटेल्स में रहती हैं, उनके कंफर्टेबल होम्स होती हैं जिनको हम आंटेल्स कहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट ऑफ आंटेल्स, ईच हैज हंड्रेड ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक आंटल में हंड्रेड तो लिटल रूम्स होते हैं और पैसेज होते हैं। इन सम ऑफ द रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, बहुत सारे कमरों में तो जो रानी चींटी होती है वह अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरी, कुछ नर्सरी होती हैं, नर्सरी होता है नर्सरी वो होता है जहाँ जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना उनकी केयर करते हैं, उसे नर्सरीज कहते हैं। फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब, मतलब आंट के जो बच्चे होते हैं, आंट के जो यंग वन होते हैं उसे हम ग्रब कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स,
मतलब जो वर्कर्स हैं उनके अलग अपने क्वार्टर हैं, क्वार्टर्स हैं उनके अलग, क्वार्टर्स मतलब कमरे मान लो आप एक तरह के। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फॉर सर्चिंग, मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फूड सर्च करने में लगा देते हैं। सम रूम्स सब आइज स्टोर हाउस फॉर द फूड, मतलब ज़्यादातर रूम्स होते हैं आंटेल के वो स्टोर रूम की तरह यूज किए जाते हैं फूड रखने के लिए। सोल्जर सेफ सेपरेट बैरक्स, सोल्जर के अलग बैरक्स होती हैं जहाँ सोल्जर रहते हैं ना, उसे बैरक्स कहते हैं। नो 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 सोल्जर हैज एवर गोट आउट सर्चिंग फॉर फूड, मतलब कोई भी सोल्जर कभी भी फूड सर्च करने मतलब फूड ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी वर्कर सोल्जर और क्लीनर कभी भी किसी भी ग्रब को मतलब चींटी के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो यू सी एंड आंट लाइफ इज वेरी पीसफुल, तो आपने देखा कि जो चींटी की जिंदगी होती है वह कितनी शांत शांतिपूर्वक होती है। इज डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंट एंड ब्रेवली, मतलब वह अपना जो काम होती है उन्हें कितने अपने काम को शेयर करती हैं बहुत बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से करती हैं काम को। नेवर फाइट्स विद ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब कभी भी अपने ग्रुप के मेंबर से लड़ाई भी नहीं करती हैं। तो देख लेते हैं द स्टोरी ऑफ एन आंटेल, कॉम्प्रिहेंसिव चेक देख लेते हैं एक बार। द स्टोरी ऑफ एन आंटेल लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इल्कलियस पेरेस मीन्स, मतलब इसका पैरे का मीन्स बताइए, इस पैराग्राफ का मीन्स बताना है हमें। तो क्या ये हाईली एग्जरेटेड है, ये टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब ये फैक्ट्स पे भी बेस्ड करता है और ये रिमार्क भी है बुक में ट्रू भी ट्रू है, और वैसे तो ये हाईली एग्जरेटेड है, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा की बात बताइए हमें। हाईली एग्जरेटेड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा की बात बताना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आप सेंटेंस को इस बुक में पहले में पैरा में देख सकते हैं। जैसे एंड आंट इज द स्मॉलेस्ट, एंड आंट इज द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। जैसे वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज वी बिकॉज सो सम पीपल्स, जैसे हमने जो पैरा पैरा है मुझे यहाँ तक याद है, तो हमने इसे यहाँ पढ़ा था कि ये रहा ये रहा। बट पीपल्स कैप्टर्स वॉच देयर डेली बिहेवियर्स क्लोजली, नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द दिस टाइनी टीचर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो हम यहाँ ये वाला लिख सकते हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है वो ये। अब आगे आता है इन व्हाट वेज इज एन आंट लाइफ पीसफुल, किन तरीकों से जो चींटी की जिंदगी होती है वह शांतिपूर्ण होती है। तो आपको किन किन चीज़ों से लगता है, जैसे वो अपना जो अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर से नहीं लड़ती, दे नेवर फाइट्स विद अदर्स मेंबर ऑफ द ग्रुप, और हम लिख सकते हैं कि दे शेयर इंटेलिजेंट एंड ब्रेवली हिज वर्क, और हम लिख सकते हैं कि दे ग्रेट ईच अदर, और बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ओके बाय।